भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख में जारी तनाव पर अहम बैठक चल रही है। भारतीय सेना के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारत की ओर से बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। चीनी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक से पहले भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत के कमांडरों के साथ बात की और लद्दाख में हालात का जायजा लिया। बैठक की जगह टकराव की जगह से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां बैठक हो रही है वो जगह चीनी नियंत्रण में स्थित मोल्डो में स्थित है। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच कॉर्प कमांडर स्तर पर यह बैठक बुलाई गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,887 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 2,36,000 पहुंच चुकी है। इसके साथ ही भारत कोरोना प्रभावित देशों की सूची में इटली को पछाड़कर विश्व रैंकिंग सूची में छठे नंबर पर पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 294 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर अब 6,642 हो गई है। देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 80,229 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्य में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 42,224 मामले सक्रिय हैं, जबकि 2,849 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक 28,694 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में अब तक 235 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल बेहाल है। दिल्ली कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसरे नंबर पर है। राजधानी में अब तक कोरोना के 26,334 केस सामने आए हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना से 708 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के हेडक्वार्टर में कोरोना के 5 नए मामले सामने आने के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। इस बिल्डिंग को एक दिन पहले ही सैनिटाइज किया गया था। आपको बता दें कि ईडी का हेडक्वार्टर खान मार्केट में स्थित है। अभी बिल्डिंग रविवार तक सील की गई है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 1,330 नए मामले सामने आए हैं और 25 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में ये कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 26,334 हो गई है। डेथ ऑडिट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 4 मई से लेकर 2 जून तक 33 मरीजों की मौत की लेट रिपोर्टिंग हुई, जिसके चलते अब मरने वालों का आंकड़ा 650 से बढ़कर 708 हो गया है।